संजीवनी शुरू करने से पहले खास तौर से संजीवनी की फीमेल दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि आज की संजीवनी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आज की संजीवनी आपने मिस कर दी तो आप खूबसूरती बरकरार रखने की जो ढेरों टिप्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं वो आप मिस कर देंगी, क्योंकि आज आप खूबसूरती बरकरार रखने की जो ढेरों टिप्स हैं जो हम आपको देने वाले हैं वो आप मिस कर देंगी, क्योंकि आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान जी बताने वाले हैं कि कैसे आप हमेशा खूबसूरती जो है आपकी हमेशा बरकरार रहेगी। गर्ल्स अपनी ब्यूटी को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहती हैं, ये बात 100% सच है, और चाहती हैं कि उनकी खूबसूरती हमेशा की तरह हमेशा बरकरार रहे। उसके बावजूद उनको तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कि पिंपल्स और झाइयां उनको बहुत झेलनी पड़ती है, तो आखिर इनकी वजह क्या है? देखिए, वजह तो देखी जाए तो मुख्य रूप से भोजन जो है, खान पान, लाइफ स्टाइल या कॉस्मेटिक्स का प्रयोग जो जिसमें किया जाता है, तो आम तौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को पोषण की कमी रहती है, भारत में तो बहुत बड़ी समस्या है, और उसके साथ साथ जो उनका भोजन होता है महिलाओं का, पोषण में कमी तो होती है लेकिन आम तौर पर चाय, कॉफ़ी या बहुत तीखा चटनी वटनी का सेवन भारत में बहुत प्रचलित है, चाट बहुत सेवन किया जाता है, तो उससे पित्त की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जो है, अगर हम देखें थोड़ा सा और गहराई में जा करके, कि नींद की कमी होना, अगर पूरी नींद नहीं आती, कई बार महिलाएं जो बिजी रहती हैं घर में भी बाहर भी ऑफिस का भी काम करती हैं, आजकल बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हैं, उसकी वजह से उनको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है उसके कारण। दूसरा फिर आ जाता है कि स्किन केयर का या ब्यूटी केयर का ज़्यादा कॉन्सेप्ट महिलाओं को मालूम नहीं होता, बस ब्यूटी के नाम पर या स्किन केयर के नाम पर कुछ मात्र कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं कॉस्मेटिक के नाम पर, उनको लगा करके बस हो गया, ऐसे नहीं होता। स्किन की भी केयर करनी पड़ती है, अगर आपको सुंदर दिखना है और ब्यूटीफुल हमेशा दिखना है तो आपको स्किन केयर या अपनी त्वचा की देख रेख कैसे करें वो आना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए आपको कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है, वात प्रकार की है, पित्त के प्रकार की है, कफ के प्रकार की है, कौन से दोष आपके अंदर ज्यादा है, आपकी जो है ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है या नॉर्मल स्किन है, ये तमाम चीजें जब आप जानते हैं तो उसके बाद आपको स्किन केयर का हम थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं कि कैसे स्किन केयर, सप्ताह में कम से कम 2 बार तो आपको अपने त्वचा की केयर करनी ही चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा स्क्रब करना चाहिए, आप आटा ले लीजिए, आटे को थोड़ा सा स्क्रब करें, उसके बाद जो डेड सेल्स निकल जाती हैं ऊपर की त्वचा की सेल्स, उसके पश्चात आपको थोड़ा सा मसाज करना चाहिए कोई भी तेल लेकर के, फिर आप थोड़ा स्टीम करें, भाप लें जिससे कि छिद्र आपके खुले रहें, और उसके बाद आप कुछ पोषण के लिए कुछ भी मास्क लगा सकते हैं या कोई ऐसा पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। तो ये अगर आप सप्ताह में एक दिन भी करेंगे तो आपकी त्वचा की देख रेख होती है, अदरवाइज एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हम त्वचा की देखरेख बिल्कुल नहीं करते हैं, और त्वचा की देखरेख के नाम पर हम मात्र केवल केमिकल्स अपनी त्वचा पर रोज लगाते रहते हैं, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, वो हमारी त्वचा की छिद्र को बंद कर देते हैं, हमारी जो त्वचा है वो सांस नहीं ले पाती है, प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाती है, तो वो जल्दी से जल्दी मुरझा जाती है, और उसके साथ साथ जो है टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो त्वचा और ज्यादा हमारी बेकार हो जाती है, गंदी हो जाती है, उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें हो जाती हैं। तो अगर आप आयुर्वेदिक स्किन केयर या आयुर्वेदिक तरीके से अपनी त्वचा की देखरेख करें तो आपकी त्वचा बहुत सुंदर रहेगी। और इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा वजह जो है वो आज के युग में वो मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस जो महिलाओं को बहुत ज्यादा रहता है, उसके कारण भी हमारी त्वचा खराब होती है, तो उस पर भी आपको गौर फरमाना चाहिए, जानना चाहिए कि क्यों आपकी त्वचा खराब हो रही है, इससे पहले कि आप कहीं बस एक प्रोडक्ट के पीछे भाग जाएं कि ये प्रोडक्ट लगाने से आपकी त्वचा जो है सुंदर बन जाएगी। कारण को जरूर समझिए, क्या वजह है, भोजन में कमी है, पोषण में कमी है, नींद पूरी नहीं आ रही है, या आप त्वचा की देखरेख प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या आप जो है किसी प्रकार के मानसिक तनाव या इमोशनल टेंशन से आप गुजर रहे हैं, तो कारण को निकालने से ही आपका काम बनेगा। फरीदाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीतू, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, मैं जीतू बात कर रहा हूँ फरीदाबाद से। बोलिए जी। जी, मैं बताना चाहूंगा, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो मैं खाना खाता हूँ अपना, तो मेरा डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम लगती है। अच्छा, तो मेरा खाना वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आपकी उम्र कितनी है अभी? मैं अभी 18 का हुआ हूँ। ओनली 18? जी। देखिए, इस उम्र में तो पाचन बहुत स्ट्रांग होता है जनरली, लेकिन अगर पाचन आपका बिगड़ गया है, ठीक नहीं है, तो
तो कुछ ना कुछ इसमें आप ध्यान करिए पहले तो कि क्या वजह उसकी हो सकती है, खान पान में प्रॉब्लम है या नेचुरली आपकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी कमजोर है। कुछ लोगों का सेंसिटिव होता है सिस्टम, कमजोर होता है, तो उनको हम कहते हैं बार बार कि एक तो भोजन पर ध्यान जरूर दीजिए, अपना खान पान जो है वो लाइट रखिए, हल्का फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सूप वगैरह ज्यादा पीजिए, उससे आपके अग्नि प्रदीप्त होती। कभी कभार सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार फास्टिंग भी करना चाहिए, एक दिन बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए अपने सिस्टम को। जैसे हम सप्ताह में एक दिन संडे छुट्टी करते हैं, ऐसे हमारे भोजन के जो प्रणाली है इसको हम छुट्टी नहीं देते कभी, ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअसली खाती रहती है, पचाती रहती है, तो इसको रेस्ट देने से उसको भी शक्ति मिलती है, उसको अच्छा लगता है। और खाने पीने में थोड़ा सा आप अगर जो हमारे स्पाइसेस हैं जैसे धनिया, जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, इनका सेवन करना चाहिए। मैं आपको अभी कुछ दवाइयों में नहीं ले जाना चाहता कि आप दवाई खाना शुरू करें, 18 साल की उम्र है आप अगर खान पान थोड़ा सा अगर अपना चेंज करेंगे, थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, उसी से आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूँ कि कोई भी रोग जब आपको होता है तो उसके कारण को जरूर समझने की कोशिश करिए, क्या वजह उसकी हो सकती है, हो सकता है कारण आपके भोजन में है, हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल में है। तो जब तक वो चेंज नहीं करोगे आप, तब तक आप कितनी दवाइयां खाते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर फर्क पड़ेगा भी तो टेम्परेरी पड़ेगा, कुछ समय के लिए ठीक हो जाएगा, जैसी दवा बंद करोगे आप दोबारा से आपको रोग शुरू हो जाएगा फिर दोबारा। खूबसूरती के लिए आयुर्वेद क्या कहता है कि मतलब आयुर्वेद भी है जो खूबसूरती बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है? जी, आयुर्वेद तो बहुत कुछ कहता है खूबसूरती के बारे में, सौंदर्य के बारे में, और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। ऐसा डिस्क्रिप्शन मैंने कहीं और नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने इसके ऊपर बुक भी एक लिखी, आयुर्वेद एंड ब्यूटी या एटर्नल ब्यूटी उसको मैं बोलता हूँ, और उसमें मैंने एक चैप्टर इसके बारे में शुरुआत की है कि जो ब्यूटी होती है, सुंदरता जो है, सौंदर्य है, वो केवल फिजिकल चीज नहीं है। आजकल लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो बस बाहर से अच्छा दिखे इसलिए मेकअप के पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मेकअप तो उतर जाता है ना थोड़ी देर बाद, फिर आपकी असली चेहरा सामने आता है, तो मेकअप तो आप 24 घंटे लगा के रख नहीं सकते। तो फिजिकल ब्यूटी आयुर्वेद में डेफिनेटली उसका जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि जो भी कुछ लगाएं अपनी त्वचा पर वो प्राकृतिक होना चाहिए। डोंट पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैनॉट ईट, ऐसा कहते हैं, जो खा नहीं सकते उसको त्वचा पर मत लगाइए। तो इसलिए प्राकृतिक जो है, चाहे हल्दी का पेस्ट बनाएं, बादाम का बनाएं, बेसन का बनाएं, सब हम खा सकते हैं, तो त्वचा पर भी लगा सकते हैं। ये तो रही फिजिकल ब्यूटी की बात। इसके बाद आयुर्वेद में जिक्र किया है कि जो इनर ब्यूटी है, जो हमारी आंतरिक जो सुंदरता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने कई बार सुना होगा कि अगर आदमी का दिल जो है वो सुंदर हो तो चेहरा चाहे बेशक सुंदर नहीं हो तो फिर भी उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। तो सुंदरता अंदर से आती है, इनर ब्यूटी, जिसको के हम कहते हैं मानसिक लेवल की जो सुंदरता है। अगर आपका मन प्रसन्न है, अगर आपका मन शांत है, मन में टेंशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब लोगों को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो उनके चेहरे पर आपको दिख जाता है तनाव या झुर्रियां पड़ेंगी, कुछ ना कुछ उनको चमक नहीं होगी। तो दूसरी आयुर्वेद में लिखी है इंटरनल ब्यूटी, जिसको कि हम आंतरिक सुंदरता कहते हैं, और एक और लिखा है सीक्रेट ऑफ ब्यूटी, जिसको आप शायद सभी जानना चाहेंगे कि आखिर सुंदरता का राज क्या है, वो भी आयुर्वेद में बताया है। वो आध्यात्मिक लेवल, स्पिरिचुअल ब्यूटी उसको बोलते हैं, कि जब आप वास्तव में ये समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मेरा जो है अल्टीमेट जो अस्तित्व है वो हमेशा, आत्मा तो हमेशा ही सुंदर रहती है, आत्मा को कुछ होता नहीं है कभी, तो वो सीक्रेट जब आप समझ जाते हैं तो फिर आपके शरीर और मन में भी वो चीज, उसकी छाया दिखने लगती है। तो तीन लेवल्स पर आयुर्वेद में ब्यूटी या सुंदरता का जिक्र किया गया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से, राजकुमार जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पंजाब से राजकुमार बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं जो भी कुछ खाता हूँ मेरे शरीर को लगता है। मैं अभी 27 साल का हूँ, मेरा वेट 85 केजी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ मैं अपना वजन कैसे कम करूँ। जो कुछ खाते हैं वो शरीर में लग जाता है? हाँ जी सर, मैं थोड़ा सा 2 रोटी भी खाता हूँ, उससे भी मेरा वजन बढ़ जाता है। देखिए, उसमें एक तो ये कारण होता है कि आपकी प्रकृति शायद कफ की होगी। कफ वाले जो लोग होते हैं, जिनके शरीर में पृथ्वी और जल का अधिकता होती है, महाभूत हमारे जो पंच महाभूतों में से पृथ्वी और जल जिसमें अधिक होता है बाई बर्थ, उनका नेचर जो है, प्रकृति की बात हमने कई बार आपको पहले भी समझाई है, हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, तो उनको अक्सर वजन बहुत जल्दी बढ़ जाता है।
आप रोटी की बात कर रहे हैं, कई बार पानी पीने से भी वजन बढ़ जाता है उनको, क्योंकि जल पहले से अधिक है और जल पिएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। तो प्रकृति अगर आपकी कफ है तो फिर आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज पर बहुत जोर देना पड़ेगा। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना वेट आपका कंट्रोल रहेगा। और एक चीज और बता दूं कि जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनका शरीर थोड़ा सा हैवियर साइड पर रहता है, नेचुरल है, वो बीमारी नहीं है, उसको घबराइए मत, चिंता मत करिए। आज एक नई बीमारी ये लग गई है कि हर व्यक्ति जो है वो स्किनी, दुबला पतला, बिल्कुल हड्डियां दिखनी चाहिए बस, खासतौर पर महिलाओं में एक बीमारी ऐसी लगी है। तो ऐसा नहीं होता, हरेक का शरीर अलग है। कुछ बहुत दुबले पतले होते हैं, खूब खाते हैं, उनका वजन एक इंच भी नहीं बढ़ता, एक किलो भी वजन नहीं बढ़ता उनका। और जो कुछ ऐसे होते हैं पानी पीने से, तो ये अपनी अपनी प्रकृति है, उसको समझना चाहिए, उसके अनुसार आपको रहना चाहिए। अपनी प्रकृति को समझ करके उसी में संतुष्ट रहिए। बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसी बीमारी लगी है कि अपने आप को पसंद नहीं करते, जैसा दूसरा है वैसा दिखना चाहिए। आप अपनी प्रकृति के अनुसार खाना खाइए और स्लिम टी आप जीवा से मंगा लीजिए, उसको सुबह शाम सेवन करिए। जीवा की स्लिम टी पीने से फैट, आपका जो फैट की जो चैनल्स हैं उनमें से सफाई होगी और आपका कुछ वजन भी कम हो जाएगा। और आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की। खूबसूरत दिखना हर लड़की और हर महिला की चाहत होती है। हर कोई चाहता है कि वो भीड़ में दूसरों से अलग नजर आए। ऐसे में खूबसूरत दिखने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खों को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर महिलाओं में रूटीन चेंज की कितनी जरूरत पड़ती है, कि क्या रूटीन का भी उनका फर्क पड़ता है ब्यूटी पर? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आपका डेली रूटीन बहुत अच्छा है, अच्छे से मतलब है कि आप रूटीन टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि रूटीन में आपके त्वचा की देखरेख भी शामिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि त्वचा की देखरेख करते ही नहीं हो आप और सुंदर भी बनना चाहते हो। जब भी आपको सुंदर बनना है तो आपको अपनी त्वचा की देखरेख भी अपने रूटीन में रखनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे सप्ताह में एक बार आप रखें आधा घंटा, उसमें आप अपनी त्वचा को थोड़ी केयर करें। दो बार अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, और केवल चेहरे की बात नहीं, पूरी बॉडी की त्वचा को ही आपको देखरेख करना चाहिए, ताकि पूरा शरीर ही आपका सुंदर दिखे। रूटीन आपको बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको आपको नहीं खराब करना चाहिए। और हमारे साथ रमेश जुड़ गए हैं लुधियाना से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर ये बताइए कि जब शादी के बाद, शादी से पहले तो मैं एकदम फिट रहता था, शादी के बाद अचानक मेरा पेट काफी बढ़ने लगा है, और पेट भी आजकल थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, मतलब मोशन काफी प्रॉब्लम से आ रही है पेट में। देखिए इसमें शादी का दोष नहीं है, दोष आपके लाइफस्टाइल का और खान पान का रहता है। जनरली क्या होता है कि शादी के बाद थोड़ा सा आदमी बड़ा आरामदेह हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। शादी से पहले कई तरह की जो है चिंताएं चल रही होती हैं, शादी नहीं हुई है, एक यही चिंता रहती है सबसे बड़ी। तो अक्सर देखा गया है शादी के बाद लोगों का वजन बढ़ता है, तो उसमें कारण मैं यही मानता हूँ कि थोड़ा सा वो अपने लाइफस्टाइल को ढीला कर देते हैं। एक्सरसाइज आप मत छोड़िए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, और खाना जो है अपनी भूख के अनुसार ही खाइए, ज्यादा मत खाइए। ज्यादा खाएंगे कई बार संतुष्ट जब मन होता है, शादी होगी, मन संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो ज्यादा खाया जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा खान पान पर कंट्रोल करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, दवाई की जरूरत नहीं मैं समझता इसमें। और इसके अलावा फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे यहाँ फोन करके जरूर डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप पूरी दवाई भी मंगा सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करेंगे उसी से आपका बहुत फर्क पड़ जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसका संजीवनी की महिला दर्शक जो है वो बड़ी देर से इंतजार कर रही होंगी। तो क्या है आज की संजीवनी? देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो घर पे आप कर सकते हैं, और काफी अच्छी चीजें हैं और काफी कारगर भी हैं। अगर झुर्रियां आपके चेहरे पर हैं तो एरंड का तेल जो होता है, कास्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, आराम से मिल जाता है, उससे मालिश करने से आपके चेहरे की झुर्रियां नष्ट होती हैं। चेहरे पर चमक नहीं है, कुछ काले वाले धब्बे वब्बे पड़े हुए हैं, तो आप ताजा दूध लेकर के दूध से थोड़ा सा जेंटल मसाज करिए। यह बहुत अच्छा रहेगा कि दूध में थोड़ा शहद मिला करके भी, या टमाटर का जूस निकाल लीजिए आप, बहुत बढ़िया, टमाटर का जूस निकाल के उससे थोड़ी मालिश करिए तो आपके दाग धब्बे नष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर चेहरे पर आपको जो है बहुत ज्यादा ग्लो चाहिए तो उसके लिए शहद, बादाम का पाउडर ले लीजिए, शहद मिलाइए उसमें थोड़ा सा, और थोड़ा सा दूध मिला करके पेस्ट बनाइए, उसका मास्क बना करके चेहरे पर आप लगा लीजिए, तो आपके चेहरे पर बहुत अच्छी चमक भी आएगी, पोषण भी मिलेगा आपकी त्वचा को, और त्वचा आपकी अच्छी सुंदर दिखेगी। ड्राई स्किन अगर आपकी हो, कई लोगों की रूखी त्वचा होती है,
तो उसमें नारियल का तेल और थोड़ा शहद मिला करके एक मिक्सचर बना के उससे आप मालिश करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और जिन लोगों को आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, डार्क सर्कल जिनको बोलते हैं, उसमें बादाम का तेल और थोड़ा शहद मिला करके वो जो पेस्ट आपका मिक्सचर बनता है उससे रोज मालिश करिए, उसका रात को सोने से पहले कर सकते हैं तो आपके डार्क सर्कल भी दूर हो जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं वो आयुर्वेदिक टिप्स जिसे अपनाकर आपकी खूबसूरती बरकरार रह सकती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज की संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान जी हमें बताने जा रहे हैं संतरे की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, आज क्या है सबके लिए संजीवनी टिप? देखिए, अभी ब्यूटी की बात चल रही है तो संतरे के जो छिलके होते हैं, पहले छिलकों को फेंकिए मत, उसको आप थोड़ा रगड़िए चेहरे पर तो झाइयां वगैरह उससे नष्ट हो जाती है। और अगर इंस्टेंटली प्रयोग नहीं करना है तो सुखा करके उसका पेस्ट बना करके उसको मास्क बना के भी आप लगा सकते हैं, उससे भी आपके चेहरों पर झाइयां या दाग धब्बे जो होते हैं उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आता है। इसके अतिरिक्त संतरे के अंदर विटामिन सी आपने सुना होगा काफी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और खास तौर पर बार बार जिन लोगों को इन्फेक्शन होते हैं, बार बार जो है छींकें आती हैं, गला खराब हो जाता है या कुछ और इन्फेक्शन बॉडी में आते हैं, तो उनको संतरे का सेवन निरंतर करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है हमारा जो संतरा है। संतरा जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, नियमित रूप से अगर वो संतरा खाएं, दो संतरे रोज आप खाएं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और संतरे में जो है हड्डियों को मजबूत करने के भी तत्व पाए जाते हैं, तो एक गिलास संतरे का जूस आप रोज पिए तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। खासतौर पर जिन लोगों को जोड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है या कई बार जो है दर्द वगैरह हो जाते हैं, वो भी संतरे का जूस या संतरे का सेवन करेंगे तो उनको काफी लाभ उससे मिलेगा।